एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकम्स। ठीक है, देखो आरएच विटेकर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी उस क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं भी वायरस, वायरॉइड्स, ठीक है, एंड लाइकम्स को मेंशन नहीं किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स इसने क्या बोला है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देर इज नो मेंशन ऑफ लाइकम्स एंड सम ए सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड ट्राइम्स। ठीक है, इसने कहा है कि हाँ भाई, जो आर एच विटेकर था उसने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर इनको मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इनका कैसे स्ट्रक्चर था, ए सेलर स्ट्रक्चर था। हम बोल सकते हैं वायरस आर नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बताया, जो होस्ट की जो बॉडी होती है, या हम बोल सकते हैं जो लिविंग सेल होते हैं, उसके आउटसाइड इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि इनर्ट का मतलब क्या होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर्स। ठीक है, तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी इनका जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे इसने क्या बताया है, आगे इन्होंने बताया है कि जब ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये जो होस्ट की जो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक अवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, फिर खुद रेप्लिकेट करते हैं, उसके बाद किलिंग द होस्ट, उसके बाद होस्ट को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, अब आप वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग। ठीक है, आगे देखो, जो वायरस का जो मतलब है, इन्होंने क्या बताया है, वायरस कैसे होते हैं, वायरस होते हैं, वायरस का जो मतलब है इसने क्या बताया है, वायरस डेट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लड। ठीक है, तो इसने कहा है जो वायरस होते हैं उसका मतलब क्या है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लड। ठीक है, ये किसने बताया, किसने दिया था, एक साइंटिस्ट आता है इवेनस्की, कौन सा साइंटिस्ट है, इवेनस्की। ठीक है, 1892 के अंदर आया था ये साइंटिस्ट। ठीक है, इसने क्या रिकॉग्नाइज, इसने कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया और इसने क्या देखा, उन माइक्रोब्स जो टोबैको प्लांट पर मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे थे उनको इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इसने क्या पाया, इसने पाया जो बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो वायरस हैं, वो बैक्टीरिया से भी क्या मिले, स्मॉलर मिले, छोटे मिले। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उन वायरस को पास किया और तब उसने क्या देखा कि हाँ भाई, ये तो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। ठीक है, तो इसने क्या रिकॉग्नाइज किया, इसने कुछ ऑर्गेन माइक्रोब्स ऑर्गेन रिकॉग्नाइज किए, उसने क्या देखा कि ये जो टोबैको का प्लांट है उस पर मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पाया, ये जो वायरस है वो स्मॉलर हैं। ठीक है, बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, ये स्मॉलर है देन बैक्टीरिया से, इसने इनको किस में से पास करके देखा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। ठीक है, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है, डेट इज एम डब्ल्यू बेजरनिक। ठीक है, 1898 के अंदर ये साइंटिस्ट आया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, इसने क्या देखा कि जो हेल्दी प्लांट होते हैं और जो डिजीज वाला जो प्लांट था टोबैको का, इसने देखा कि ये हेल्दी प्लांट को भी क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, और इसने उस फ्लड का जो नाम है वो क्या दे दिया, उस फ्लड का नाम दे दिया इसने, कॉन्टेजियम वीवम फ्लडियम। ठीक है, डेट मतलब डेट इज इन्फेक्टियस लिविंग फ्लड, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लड। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया एम डब्ल्यू बेजरनिक, उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, डेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, और उसको क्या, उस फ्लड को क्या नाम बोला इसने, कॉन्टेजियम वीवम फ्लडियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है डब्ल्यू एम स्टेनले, 1935 के अंदर ये साइंटिस्ट आया। इसने क्या देखा, जो वायरस होते हैं ना वो क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टल के फॉर्म में बन सकते हैं, यानी कि वो किससे मिलकर बने होते हैं, कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज और क्रिस्टल्स, ठीक है,
और क्या बताया इसने, कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने कहा जो होस्ट सेल जो है ना उसकी बॉडी के बाहर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, इनर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसने बोला जो वायरस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट क्यों, क्योंकि जैसे ही ये किसी भी होस्ट सेल पर इन्फेक्ट करेंगे तो उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और उस होस्ट बॉडी को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। इसलिए ये कैसे होते हैं, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि ये किस पे डिपेंड रहेंगे, एक होस्ट की बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने बताया जो इन एडिशन प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद इसने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं, यानी कि इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसने बोला कि जो वायरस है ना वो प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है और जेनेटिक मटेरियल से भी। जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डेट इज आरएनए और डीएनए, ठीक है। लेकिन इसने कहा डेट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, इसने कहा ये या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, लेकिन नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। लेकिन इसने क्या बताया कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक ही वायरस के अंदर दोनों चीज़ प्रेजेंट हो, डेट इज आरएनए भी और डीएनए भी, ठीक है। अब इसने कहा अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, जो वायरस है वो कैसा होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, इन्फेक्टियस होता है, ठीक है, जहरीला होता है, ठीक है, इसने ये बोला, ठीक है। उसके बाद आता है जो वायरस होता है ना, अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो उसमें आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या उसके अंदर क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, समझ गए। जब इसने बोला कि जब ये प्लांट को कॉज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, लेकिन जब ये एनिमल को कॉज करेगा तो उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। उसके बाद इसने कहा बैक्टीरिया वायरस, डेट इज मतलब इसने नाम दिया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उसके अंदर इसने क्या बोला, उसके अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, क्या बोला उसके अंदर क्या है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। अब इसने कहा क्या बोला कि जो वायरस होता है ना ऊपर एक उनकी, मैंने बताया प्रोटीन से मिलकर बने होते, तो इट मीन्स उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोट होती है और उसको बोलते हैं कैप्सिड, क्या बोलेंगे, कैप्सिड, और वो कुछ छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है और उस सब यूनिट को क्या बोला, कैप्सोमियर, क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब ये जो कैप्सोमियर होते हैं ना, ये हेलिकली भी अरेंज हो सकते हैं या पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी ये जो है अरेंज हो सकती है, यानी कि इनकी ये हेलिकली भी शेप में हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी या ज्योमेट्रिक में भी, ठीक है। इसने बताया जो वायरस होते हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, कौन कौन सी, जैसे कि मम्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हार्पिस या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज कॉज कर सकते हैं। मेनली ह्यूमन के अंदर ये एड्स जो डिजीज होती है वो भी वायरस के ही कारण होती है, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लांट के अंदर भी ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और प्लांट के अंदर जो डिजीज होती है वो कैसे हो सकते हैं, उनके सिम्टम्स कैसे मिलते हैं, जैसे कि मोजैक फॉर्मेशन, ठीक है, टोबैको में देखा था ना मोजैक डिजीज कॉज हो रही, लीफ रोलिंग हो सकती है, कर्लिंग हो सकती है, पत्तियों के रोल हो जाना, कर्लिंग हो जाना, येलोइंग पड़ जाना, ठीक है, या वेन क्लियरिंग या ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ, या वो जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाना, ठीक है। ऐसी ऐसी ये प्लांट में भी कुछ क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये क्या था आपका, वायरस था। नेक्स्ट आता है वायरॉइड, क्या आएगा नेक्स्ट, वायरॉइड, ठीक है। वायरॉइड देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 1971 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, डेट इज टी ओ डिनर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या देखा, इसने देखा जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस क्या होते हैं, ये वायरस से भी स्मॉल होते हैं, ठीक है, डेट वॉज स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है,
फ्री आरएनए, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। प्रोटीन कोट वायरस के ऊपर तो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। डेट इज फाउंड इन वायरस, वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट मिलती है, लेकिन वायरस के अंदर प्रोटीन कोट नहीं मिलती, ठीक है। तो जो आरएनए था उनका कैसा, उनका जो है ना लो मोलिकुलर वेट है वायरस के अंदर, ठीक है। तो ये था क्या, वायरस, वायरस क्या बताया, जो वायरस से भी स्मॉलर होते हैं, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट अब्सेंट होती है, और जो आरएनए है वो कैसा होता है, बहुत लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन प्रायंस, क्या आएगा नेक्स्ट वन प्रायंस, प्रायंस देखो क्या है, जो प्रायंस होता है ना ये वायरस के सिमिलर होता है, जैसा वायरस होता है ना वैसा होता है, लेकिन इसके अंदर ना न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होता मेनली, ठीक है। ये एक डिजीज कॉज करता है, और वो डिजीज कौन सी है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनसेफेलोपैथी डिजीज, ठीक है। इसको BSE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉमनली इसको मैड काउ बोलते हैं। ये डिजीज किसके अंदर होती है, कॉमनली कैटल्स के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिजीज कौन सी कॉज करता है ये ह्यूमंस के अंदर, CJD, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CR जैकोब डिजीज, कौन सी है इसकी शॉर्ट फॉर्म, CR जैकोब डिजीज। उसके बाद आता है लाइकन, क्या आएगा लाइकन, ठीक है। लाइकन कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, किस किस के बीच, एल्गी और फंजाई के बीच, ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायंट, क्या बोलेंगे, माइकोबायंट, ठीक है। जो एल्गल होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और जो आपके फंजाई की बात करूँ तो वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एल्गा, एल्गा अगर वो क्या करता है, एल्गा ऑटोट्रॉपिक होता है तो ऑब्वियस बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती होगी, तो वो अपना खाना खुद बनाता होगा, ठीक है। एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ठीक है, और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है एल्गा को, मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एल्गा उसे फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, फंजाई शेल्टर या हम कह सकते हैं वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर मैं बात करूँ जो लाइकन्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कौन सा था, वायरस और लाइकन्स, प्रायंस और वायरॉइड्स का, ठीक है। आगे होगा लाइन टू लाइन समझ, अच्छे से इसको क्लियर करते जाओ और NCERT उठा कर पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।